नजमा परवीन बहना जुड़ रही है, एक सोशल वर्कर है। नजमा परवीन, आप क्या कहेंगी, 5 तारीख को जो भूमि पूजन हो रहा है जिसके बाद वहां पर भव्य मंदिर बनेगा, ये एक अच्छी शुरुआत है? जी दीपक भाई, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और हम सब अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े फैसले को एक ऐतिहासिक फैसला दिया जो लंबे समय तक विवादित था और उन्होंने इस पे मोहर लगाई कि हमारे श्रीराम की जो जन्मभूमि थी उन पे उनको उनका हक मिला। और ये जो मोदी जी के ऊपर सवाल खड़ा करें कि उनको नहीं जाना चाहिए, ये वही लोग हैं जो हमेशा से ये चाहते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए और राम सेतु के अस्तित्व पे भी वो सवाल उठाते हैं, राम जी के अस्तित्व पे भी सवाल उठाते हैं, ये वही लोग हैं। पर नजमा जी, अगर मैं आपका नाम पढ़ूं तो आप तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से आती है, मुस्लिम बहन है मेरी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बड़े सारे मुस्लिम नेता, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे सेक्युलर गैंग के बाकी लोगों, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साफ साफ नकार दिया था। आपको नहीं लगता कि ये उनकी राजनीति थी? आपको क्या लगता है क्यों नकार दिया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जबकि 70 साल से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो अक्षरशः मंजूर होगा? ये सरासर उनकी बहुत बड़ी राजनीति जी ये सरासर उनकी बहुत बड़ी राजनीति थी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भगवान श्री राम का मंदिर बने अयोध्या में, और वो चाहते हैं कि वहाँ पे राम मंदिर और हिंदू मुसलमान के बीच की जो खाई है हमेशा से चली आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी हिंदू मुसलमान का मसला ऐसे उलझा रहे, कभी भी इसको सुलझाया ना जाए, क्योंकि भगवान श्री राम कण कण में विराजमान है और जो हिंदू और मुसलमान सबके पूर्वज भगवान श्री राम है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। और सबसे ज्यादा खुश हम बनारस की मुस्लिम महिलाएं खुश थी, क्योंकि हम लोगों ने लंबे समय से इस चीज की लड़ाई लड़ी और हम लोगों ने ये मांग भी की कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर वहां पे बने।